सरकार ने जो आज ओबीसी का आरक्षण था इसके अंदर ध्यान नहीं देने की वजह से यह आरक्षण रद्द हो गया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके संविधान के अंदर हमारे सभी ओबीसी वंचित बहुजन समाज के सभी लोगों को आरक्षण दिया था। राजकारण में जैसा जिला परिषद है, नगरपालिका है, महापालिका है, ग्राम पंचायत है, इस सभी में जो ओबीसी समाज को आरक्षण के माध्यम से एक सुविधा मिलती थी लड़ने के लिए और उनको एक आरक्षण के माध्यम से चुनाव के माध्यम से उन्हें लोक प्रतिनिधि होने की संधि मिलती थी, बट इस सरकार ने, इस ठाकरे सरकार ने इसका कोर्ट में बराबर पैरवी किए नहीं, बराबर फॉलोअप किया नहीं और उसके वजह से आरक्षण रद्द हो गया। उसी तरीके से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में जब वो मुख्यमंत्री थे मराठा समाज को भी आरक्षण मिला के दिया था, हाईकोर्ट में भी उसको स्थगित मिलने नहीं दी थी, बट ये सरकार ने अशोक चव्हाण के ऊपर जवाबदारी दी और अशोक चव्हाण साहब ने उसके अंदर कुछ भी ख्याल नहीं किया, इसलिए आज मराठा आरक्षण भी कैंसिल हो गया। मेरा बोलने का मतलब एक ये है कि ये तिगाड़ी सरकार कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं, सीरियस लेती नहीं है और उसके वजह से ही ये दोनों आरक्षण रद्द हुए। हम आज इस आंदोलन के माध्यम से ये ठाकरे सरकार को आह्वान देते हैं कि अगर इन्होंने ताबड़तोड़ इस दोनों चीज़ों में ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन और तीव्र तरीके से हम करेंगे और आज उनका हम ठाकरे सरकार का यहाँ पे निषेध करते हैं।